महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले हफ्ते हम प्रतिदिन 150 मामले दर्ज कर रहे थे, अब हम प्रतिदिन लगभग 2000 मामले दर्ज कर रहे हैं। मुंबई में बुधवार को 2000 मामले हो सकते हैं। ये हालात तब है जब मुंबई में विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना और आइसोलेशन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी की जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में कोविड-19 के नए मामलों के साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर बुधवार को चिंता जताई और इसे एक डरावनी स्थिति करार दिया। यहां संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों और अधिकारियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 दिन में राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 5000 से 6000 के बीच रही है। टोपे ने कहा, मंगलवार को राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 11492 थी, बुधवार को यह संख्या 20000 तक पहुंच सकती है। मंत्री ने कहा, राज्य में उपचाराधीन मामलों में वृद्धि डराने वाली है। उन्होंने राज्य में मामलों की दर तेजी से दोगुनी होने और मुंबई में संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।